कभी आपने सोचा है कि जब भी हम एग बॉयल करते हैं, अंडा उबालते हैं, तो उसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है? यू शुड थिंक दैट। कभी भी हम जब दाल को बॉयल करते हैं तो उसमें नमक क्यों डालते हैं? सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में, चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट या फिर लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है। और अभी हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द बॉयलिंग पॉइंट, कि बॉयलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे। तो एक ही बात है, जब भी हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट मटेरियल है उससे अलग कुछ भी हो। अगर पानी के अंदर आप शुगर मिला दो तो इम्प्योरिटी है, पानी के अंदर अगर आप सॉल्ट मिला दो तो इम्प्योरिटी है, कुछ भी अगर बाहर का मिला दोगे जो पानी नहीं है वो इम्प्योरिटी है, ऑयल भी मिला दोगे वो भी इम्प्योरिटी है। तो देखिए, जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि सॉल्ट ऐड कर दिया, तो हमेशा उसका बॉयलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो वाटर बॉयल होना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ना होके 110-112 के ऊपर बॉयल होने लगता है, जिससे जो भी आप अंडा बॉयल कर रहे हैं या दाल बॉयल कर रहे हैं उनको सफिशियंट टाइम मिल जाता है पकने के लिए। एग को भी टाइम मिल जाता है, बिकॉज वो 100 से 110 जाने में भी टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, तो उसको काफी सफिशियंट टाइम मिल जाता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। एंड नाउ बिकॉज इट इज वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है, जिस वजह से उसको जो कुकिंग है वो फास्ट और बहुत ही इजी हो जाती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन दैट। जब भी आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपकी कुकिंग जो है इट विल बी इजी। ठीक है, सो व्हाई डू वी ऐड सॉल्ट व्हाइल कुकिंग पल्सेस, बिकॉज दैट इंक्रीजेस दैट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट मेक्स इजी द कुकिंग। Why? Because it increases the boiling point temperature and also it takes more time to reach that temperature, so the cooking becomes very very easy. So we add salt to ease our cooking. So आगे आने वाले session में हम बात करेंगे specific latent heat या latent heat में क्या difference है, इन सब चीज़ों के बारे में। Chapter is almost at the end and then we'll start the new chapter. So till the time, you have a great time.